तो दोस्तों हमने इसकी लीडर निकाल दी थी, ये हमारी लोड वाली लीडर होती है और ये हमारी डीसी वाली लीडर होती है, देख सकते हैं हम सेट भी कर ली। अब दोस्तों इस पर कॉटन टैप हम मारते हैं, जो टैप होती है इसे बोलते हैं कॉटन टैप, ये मारते हैं लेवर। दोस्तों इसी तरकीब से पूरी कॉटन हम मारेंगे पूरी। तो दोस्तों देख सकते हैं ये हमने पूरी कॉटन मार दी है। अब नंबर आता है हमारे अल्टरनेटर की फिटिंग का। दोस्तों ये ऐसा करना होगा, इधर भी दिखाओ। ये इसका रूटर होता है हमारा, और रूटर में सबसे खास बात ये देखने की होती है, ये जो कवर का हमारा ये सिरा है इसमें ये छेद है, ये होल होता है। अगर ये बंद है तो मैकेनिक को चाहिए, जैसे हम इसे खोल रहे हैं वैसे ही ये खोल देना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है अल्टरनेटर या जनरेटर बारिश में होता है और पानी आ जाता है इसका, तो ये होल में से पानी निकल जाता है, ये नीचे की साइड में रहना चाहिए। दोस्तों अब फिट करते हैं। अब फिटिंग हमारी चालू है। कवर तो बचाने दे यार। देख सकते हैं दोस्तों इसमें ये जो हमारे होल होते हैं सामने करने होते हैं। ये कमर तो पूरी तरीके से टाइट हो चुका है हमारा, और देख सकते हैं घूम भी रहा है। हम उस साइड की फिटिंग रही है हमारी, और कैसे करते हैं ये भी दिखा देंगे। डोरी अंदर को करनी होती है, कवर में ना कटे। चिमटी होती है, चिमटी उठानी होती है। दोस्तों ये जो चिमटी है ये हमें इसलिए उठानी होती है, जब हम यहाँ लगाते हैं तो चिमटी इस पर टच होंगे और कार्बन टूट जाते हैं, इसलिए हमें चिमटी है उठानी होती है। इसके यहाँ हमें चोट लगानी होती है। Thank you.
डीसी वाली डोरी निकाली थी, हमने जो ये डीसी वाली डोरी निकाली थी तो डीसी वाली वायरिंग हमारी ये ऊपर निकलती है, निकालो इसे, ये जो छेद होते हैं हमारे ये होल होते हैं इसमें निकालनी होती है, और दोस्तों डाइवर्टर में आती है ये डोरी। बाकी ये लोड वाली जो ये वाली डोरी निकाली थी हमने लीडर लोड वाली, ये हमारी ये नीचे वाले डाइवर्टर में बनती है। और दोस्तों इसका तरीका बांधने का ये होता, ये हमारे डाइवर्टर के जोड़े दिखाई दे रहे हैं, ये जो छोटे छोटे वाले जोड़े हैं ये हमारे फील्ड के तार इसमें लगते हैं, और बाकी ये जो इस तरकीब के जोड़े यानी ठंडे गर्म दोनों आते हैं इसमें हमारे आर्मेचर में से जो चिमटियों में से तार आते हैं वो लगते हैं। फिलहाल अभी हम दिखाते हैं, इसे खींच लेते हैं उसके बाद हम दिखाते हैं। ये डोरी ज़्यादा लंबी हो रही है इन्हें हम छोटी करेंगे। दोस्तों जैसा मैं अभी बता रहा था कि हमारी डाइवोक प्लेट जो है इसके जो ये छोटे वाले कांटे होते हैं छोटे वाले, इनमें ये डीसी वाली वायरिंग यानी ये लोड वाली वायरिंग के तार लगाने होते हैं। मैं जैसा हूँ आप देख सकते हैं, अभी हम लगाते हैं। मेरा वाला पेस्ट कर दोस्तों देख सकते हैं, एक कांटे में हमने एक ये डोरी लगा दी है और दूसरे कांटे में हम ऐसे ही कांटे बने हुए हैं हमारे, ये बीच में खाली है, तो अब ये दूसरा कांटा है, दूसरी सीरीज है डाइवर्टर की हमारी, इसमें हम दूसरा तार लगा देते हैं। इधर वाली सीरीज बाकी बची है हमारी दोस्तों, देख सकते हैं ये वाली, तो इधर आप देख सकते हैं ये अल्टरनेटर में जो चिमटी में से डोरी आ रही है तार आ रहे हैं ये इनमें लगेंगे। तो एक सीरीज में इसका लग जाएगा बीच वाली में, कोई सा भी किधर भी लगा सकते हैं इन वाला, बट ये जो फील्डो वाली लीड है इनमें अलट पलट होता है, इनमें उल्टा सीधा होता है, बाकी ये जो रूटर में से आती हैं इनमें कोई उल्टा सीधा नहीं होता, कोई सा भी किधर लगा दे सकते हैं। तो ये हमारे तार तो टाइट हो गए हैं और हमारा अल्टरनेटर भी फिट हो गया है। देखते हैं दोस्तों ये हमारा अल्टरनेटर देख सकते हैं बिल्कुल फ्री घूम रहा है, और अब हम इसका करंट चेक करके देखेंगे करंट बनाया है नहीं बनाया है। दोस्तों ये इसका बैरिंग होता है और ये बैरिंग प्लेट होती है, हमें ग्रीस भरना होता है इसमें अच्छी तरीके से, दो बैरिंग होते हैं, पहला बैरिंग ये है और पिछला उधर का भी है, उसमें भी ग्रीस भरते हैं, अभी पहले इधर लगा देते हैं ग्रीस,
थोड़ा ये चलाओ, ये है लंबे होंगे यार इसके कुछ का, ये वाला होगा इसका, यही वाले हैं इसके, बॉडी लाओ इसकी 11 की बॉडी ले रही है। दोस्तों देख सकते हैं प्लेट के चारों तरफ को ग्रीस निकल रहा है बाहर, इसका मतलब बैरिंग में बहुत अच्छी तरीके से ग्रीस आ गया। अगली प्लेट में भी ग्रीस ऐसे ही करते हैं। तो देख सकते हैं ये जो अंदर से हमारी मोटे वाली वायरिंग आ रही है ये हमारी लोड वाली है, और ये जो बारीक वाली वायरिंग है ये हमारी डीसी वायरिंग है। ये डाइवोल्ट प्लेट होती है, इसे हम कैंची में लगाते हैं यानी आमने सामने लगाते हैं। तो बारीक वाली जो तार हैं इसके सामने इसे क्रॉस कर करेगा, और मोटा वाला जो तार है लोड वाला वो भी इसे क्रॉस कर देंगे, ऐसा आएगा। अब हम इसे डाइवोल्ट लगाते हैं। डाइवोल्ट लगाने का तरीका ये है, नहीं लगा दो अगर इसका निशान नहीं चमक रहा। तो दोस्तों हम करंट चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं करंट भी हमारा चल रहा है, ये चला मैं टायर फट गया, और हम साइकिल से चेक कर रहे थे सही से सही से लगा ले ना, ठीक है। दोस्तों अगर ये तार लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। अंदर से मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।